न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को कल क्राइस्टचर्च में 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेलना है, जो उसके लिए करो या मरो का मुकाबला भी होगा, क्योंकि अगर भारतीय टीम इस मैच को हारती है तो वह सीरीज को गंवा देगी। खराब मौसम से उब चुकी भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में दुआ करेगी कि बारिश न हो, ताकि उसे वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी का मौका मिल सके। इसके लिए तीसरे वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 में अचानक के खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री हुई है। इस खिलाड़ी के खेलने से न्यूजीलैंड की टीम भी दहशत में आ जाएगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है। कुलदीप यादव बेहद खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। कुलदीप यादव ने जब पिछले महीने 11 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना आखिरी वनडे खेला था, तो उन्होंने 4.1 के ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। कुलदीप यादव ने अपने इस कमाल के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता था। वनडे विकेट में टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी बीच के ओवरों में विकेट हासिल नहीं कर पाना है। कुलदीप यादव अपनी मजबूती गेंदबाजी में बदल देंगे। ऐसे में युजवेंद्र चहल को भी कुलदीप यादव के लिए रास्ता बनाना होगा और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर बैठना होगा। युजवेंद्र चहल की बात करें तो उनका हालिया प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। युजवेंद्र चहल विकेट निकालने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो वहीं बात करें तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 के बारे में, तो आपको इसमें शिखर धवन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, जो कि बात करी जा रही थी संजू सैमसन, को भी यहाँ पर मौका नहीं मिल सकता है। और वहीं दीपक हुडा, वसिंघटन सुंदर, कुलदीप यादव, उमरान मलिक, अर्थदीप सिंह और दीपक चाहर आपको खेलते हुए नजर आए।